नमस्कार दोस्तों, जियो टेक किस नए सेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जियो टेक के एक फ्रेश टॉपिक के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, जो हमारा अर्थ प्रेशर और रिटेनिंग वॉल। तो फ्रेंड्स, शायद आप रिटेनिंग वॉल को पहले से जानते होंगे, यदि नहीं जानते हो तो हम इसमें पूरा डिस्कस करेंगे और हम साथ ही साथ देखेंगे कि रिटेनिंग वॉल पर हमारा अर्थ प्रेशर किस तरह से लगता है और प्रेशर लगने की कितनी कंडीशन होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सिंपली एक ग्राउंड लेवल लिया। यहाँ पर देखिए, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। तो हमने यहाँ क्या किया है, यहाँ पर हमने एक्सवेट किया है। यहाँ पर हमने एक्सवेट किया है, यहाँ पर जो हमारा अर्थ होगा, जिसको हम बैक फिल बोलते हैं, मतलब यहाँ पर हमारी ये सॉइल है, वो हमारे यहाँ से प्रेशर लगाने की कोशिश करेगी, मतलब ये हमारी मिट्टी है वो नीचे गिरने की यहाँ पर कोशिश करेगी। तो फ्रेंड्स, इस मिट्टी को नीचे गिरने से रोकने के लिए हम यहाँ पर एक वॉल यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो हमारी ये रिटेनिंग वॉल क्या करती है, जो हमारा प्रेशर है उसको यहाँ पर रोकती है। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जियोटेक में, क्योंकि जब हम किसी भी पहाड़ी या हिल एरिया में कोई भी सड़क बनाते हैं तो यहाँ पर रिटेनिंग वॉल वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसकी डिफरेंट कंडीशन और डिफरेंट टाइप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है, द सॉइल रिटेन बाई द रिटेनिंग वॉल, मतलब जो रिटेनिंग वॉल होती है उसके द्वारा जो हमारी सॉइल रिटेन की जाती है उसको हम बोलते हैं वैक फिल, जो कि मैंने यहाँ आपको बताया। तो फ्रेंड देखिए, द प्रेशर अप्लाइड बाई द वैक फिल ऑन रिटेनिंग वॉल इज रिफर अस अर्थ प्रेशर, मतलब जो रिटर्निंग वॉल पर जो प्रेशर होता है, जो हमारा सॉइल का प्रेशर होता है रिटर्निंग वॉल पर, उसी को हम यहाँ पर सिंपली अर्थ प्रेशर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जो हमारी रिटर्निंग वॉल होती है उसकी भी डिफरेंट कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर या तो हॉरिजॉन्टल पोर्शन हो सकता है यहाँ पर ऊपर, या फिर हमारा इंक्लाइन पोर्शन होता है। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो एंगल होता है उसको हम बीटा से यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, ये हमारा वैक फिल है, मतलब ये सॉइल है जो वहाँ पर लोड लगा रही है, इसको हम वैक फिल बोलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हुआ, सिंपली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोड लगेगा, यहाँ पर भी लोड लगेगा। तो यहाँ पर हम सिंपली एक पॉइंट को यहाँ पर कंसिडर करेंगे और उसी के हिसाब से हम अर्थ प्रेशर को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने सिंपली एक पॉइंट ले लिया है। यहाँ पर देखिए, हमने इसका 3D डायग्राम बनाया है। यहाँ पर देखिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर देखिए दोनों को यहाँ पर कंसिडर किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंपली अर्थ प्रेशर किसको बोलेंगे, यहाँ पर देखिए वर्टिकल तो यहाँ पर ऊपर लग रहा है, परंतु देखिए यहाँ पर जो इस साइड लग रहा है, मतलब जो रिटेनिंग वॉल के ऊपर लग रहा है, वो हमारा हॉरिजॉन्टल लग रहा है। तो हम यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही कंसिडर करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है उसको हम बोलते हैं अर्थ प्रेशर। तो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि जो हमारा अर्थ प्रेशर होता है वो हमारा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको हमेशा एक बात याद रखना है, जियोटेक में जो हमारा कंप्रेसिव प्रेशर होता है उसको हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, जो हमारा टेंशन होता है उसको हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जो हमारा अर्थ प्रेशर है उसको हमने क्लासिफाइड किया है 3 पार्ट में। पहला हमारा अर्थ प्रेशर इज रेस्ट, एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के बारे में अच्छे से यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, पहले हम देखते हैं यहाँ पर अर्थ प्रेशर इज रेस्ट। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने जनरली एक अच्छे से डायग्राम बनाया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक यहाँ पर रिटेनिंग वॉल ली है। यहाँ पर देखिए, ये हमारा ग्राउंड लेवल है और ये हमारा लोअर ग्राउंड लेवल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारी हाइट है, वो हमारी एच है। और फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो विड्थ ली है वो हमने यहाँ पर यूनिटी ली है, मतलब एक ली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, हम पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर दोनों पर हैं, हम यहाँ पर प्रेशर कंसिडर करेंगे जो हम पहले करते थे, उसी तरह से हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे जैसे हम पूर्व वाटर प्रेशर और डिफरेंट टाइप के प्रेशर यहाँ पर कंसिडर करते थे, सिंपली वही हमारा कॉन्सेप्ट होगा। तो फ्रेंड, जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम अर्थ प्रेशर यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हमारा वर्टिकल यहाँ पर ये लग रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जो हमारा पॉइजन रेशियो है उसको हमने यहाँ पर म्यू लिया है। तो फ्रेंड्स, इसके टर्म में जो हम यहाँ पर अगर फोर्स यहाँ पर देखिए कैलकुलेट करें, यहाँ पर देखिए हमारा टेंशन में है उसको हम नेगेटिव लेंगे, जो हमारा कंप्रेशन में है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो फ्रेंड, उस कंडीशन देखिए, हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो हमारा बनेगा सिग्मा एच अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वी अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एच अपॉन ई इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जो हमने टेंशन कंडीशन है उसको हमने यहाँ पर नेगेटिव लिया है, जो हमारा कंप्रेसर की कंडीशन है उसको हमने यहाँ पर पॉजिटिव रखा है। तो फ्रेंड, उस कंडीशन में जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा आएगा सिग्मा एच, मतलब हमको यहाँ पर सिग्मा एच अपॉन सिग्मा ई के रेशियो में यहाँ पर हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम अगर बाहर कर लेंगे तो हमारे यहाँ पर देखिए जो फाइनल वैल्यू आएगी रेशियो के टर्म में, सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी इक्वल टू म्यू अपॉन माइनस वन माइनस यू। तो फ्रेंड, ये हमारा जो पॉइजन रेशियो होता है उसके टर्म में यहाँ पर हमारी वैल्यू आ चुकी है। तो फ्रेंड, इससे ही हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर हम जो सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी इसको हम एक कांस्टेंट मांगने, मतलब यहाँ पर देखिए हमने इसको के ओ मान लिया है, तो यहाँ पर देखिए उस कंडीशन में भी हमारी वैल्यू हैगी तो वो हमारी सेम ही आएगी, मतलब हमारा ज़्यादा कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारा के इक्वल टू क्या है, सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला ए आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम जो वेरियस वैल्यू हैं उसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा के नॉट भी बोल सकते हैं या हम के ओ बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर के नॉट बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कॉन्स्टेंट है जिसे कि वी है, उसकी वैल्यू हमारी डेप्थ के हिसाब से यहाँ पर बदल जाएगी। मतलब ज़्यादा डेप्थ है तो अलग वैल्यू आएगी, कम डेप्थ है तो अलग वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में वो हमारी वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल में प्रेशर होता है वही हमारा अर्थ प्रेशर होता है। तो हम सिंपली यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बोला था जो पॉइंट ए है उसमें हम देखेंगे वर्टिकल कितना है। तो फ्रेंड देखिए जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पर देखिए पॉइंट ए पर वर्टिकल देगी। यहाँ पर देखिए यहाँ ऊपर तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेस किसी कारण तो आएगा नहीं, ना तो वर्टिकल कारण आएगा ना कुछ हॉरिजॉन्टल कारण आएगा। तो यहाँ पर हमारी दोनों वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो क्योंकि हमारा वर्टिकल जीरो है तो हमारा वर्टिकल है उसी पर डिपेंड हमारा हॉरिजॉन्टल है। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो हमारा सिग्मा वर्टिकल है वो हमारा जीरो है। तो फ्रेंड्स ये आपको सिर्फ शुरू शुरू में दिक्कत आएगी, अगर कोई नया व्यूअर है तो उसको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, परंतु धीरे धीरे ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। कंटिन्यूसली आप वॉच करते जाएं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा सिग्मा हॉरिजॉन्टल होता है वो क्या होता है, के नॉट मतलब जो हमारा कॉन्स्टेंट होता है जो हम अभी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, इंटू सिग्मा वी। तो यहाँ पर देखिए जो सिग्मा वी है उस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब जो सिग्मा वी है उस पर डिपेंड वैल्यू करेगी। तो हमारा सिग्मा वी जीरो है तो हमारी वैल्यू जीरो आ जाएगी। हमारा पॉइंट बी है, मतलब जो हमारा ये देखिए मैं फिगर में बता देता हूँ, हमारा देखिए जो पॉइंट बी है यहाँ पर सॉइल के कारण हमारा जो फोर्स लग रहा है। तो फ्रेंड्स जिसकी भी स्पेशल कंडीशन होती है जैसे कि हमारा अगर सॉइल संबल्ध है उसकी हम आगे जाके केस देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर सिंपली कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा पॉइंट बी पर है यहाँ पर देखिए हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों यहाँ पर हम देखिए स्ट्रेस निकालने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर देखिए सिग्मा वर्टिकल क्या आएगा, हमारा जो डेंसिटी इंटू जो हमारा डेटम से हाइट होती है उतनी। तो यहाँ पर देखिए एच, तो फ्रेंड ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो फ्रेंड यहाँ से हम जो हॉरिजॉन्टल है उसकी भी यहाँ पर हम वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका भी फिगर भी मैंने पहले आपको बनवाया था। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर ए पॉइंट पे हमारा जीरो है और बी पॉइंट पे हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल, के नॉट इंटू गामा एच। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको क्या देखना है, अर्थ प्रेशर देखना है। यहाँ पर देखिए डिफरेंट जगह पे डिफरेंट यहाँ पर आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमको एक मीन वैल्यू देखनी है जिसको हम पी नॉट से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, जो हमारा है अर्थ प्रेशर फोर्स। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसकी हाइट होगी वो हमारी एच बाई थ्री होगी क्योंकि हमारी ट्रेंगुलर में जनरली होती है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी वैल्यू आएगी पी नॉट की जो एवरेज में है, तो यहाँ पर क्या आएगी एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एवरेज स्ट्रेस कितना है, तो फ्रेंड देखिए हम मैक्सिमम भी देखेंगे यहाँ पर, मैक्सिमम भी देखेंगे और मिनिमम भी देखेंगे, तो उसका हम एवरेज करेंगे तो अपन टू कर देंगे और एरिया मतलब हाइट इंटू जो उसकी विड्थ होती है, विड्थ हमने यहाँ पर यूनिटी रखी है तो यहाँ पर एक रखेंगे, मतलब एरिया होगा हमारा एच इंटू वन। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पर दो वैल्यू दी है तो वही हम यहाँ पर रख लेंगे, तो यहाँ पर हमारा पी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे जो के नॉट होता है उसके लिए हमारे कुछ एम्पिरिकल भी फॉर्मूला होते हैं, तो फ्रेंड उनको भी हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फोर सेंड, यहाँ पर सेंड के लिए के नॉट की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस साइन फाई, और क्ले के लिए हमारी जो के नॉट की आएगी जो ओवर कंसोलिडेट सॉइल के लिए होती है वो हमारी होती है के नॉट जो कि हमारा नॉर्मल कंसोलिडेट सॉइल, फिर इंटू उसका करेंगे अंडर रूट ओ सी आर जो हमारा ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो होता है वो उसके बराबर हमारा होता है। तो फ्रेंड्स पहले हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद हम आगे देखते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो फ्रेंड देखिए इसमें हमारा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर एक्टिव है मतलब जो हमारा वॉल है वो हमारा एक्टिव रहेगा, मतलब थोड़ा उसमें मूवमेंट होगा। तो फ्रेंड देखिए हमने सिंपली क्या किया है, यहाँ पर देखिए इसकी जो इनिशियल कंडीशन थी वो हमारी ये थी। तो फ्रेंड एक्टिव में क्या हुआ, यहाँ पर देखिए थोड़ी इसमें मूवमेंट होगी। तो फ्रेंड यहाँ पर हम वर्चुअली मान लेते हैं इसकी जो पोजीशन है वो इस प्रकार हमारी इस साइड जा रही है। तो फ्रेंड देखिए अगर ये हमारी इस साइड जाएगी तो हमारा क्या होगा, इतना जो एरिया है वो भी हमारा फेलियर होगा, तो उसको हम यहाँ पर देखिए फेलियर प्लेन मान रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसकी जो हाइट है वो तो हम यहाँ पर एच ले रहे हैं और जिसकी जो हमारी विड्थ है उसको हम यहाँ पर यूनिटी ले रहे हैं। फ्रेंड्स ये सब तो अब पता है, यहाँ पर देखिए जो सॉइल मूवमेंट होगी वो इस साइड होगी, मतलब इस साइड यहाँ पर सॉइल जाएगी, इसमें एक हमारा रेजिस्टेंस फोर्स भी काम करेगा जो हमारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर हमारा काम करेगा। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर देखते हैं किसी भी पॉइंट पे हमारा कितना स्ट्रेस आ रहा है। तो फ्रेंड देखिए हमने यहाँ पर ये पॉइंट लिया है और इस पे हम 2D डायग्राम में यहाँ पर देखिए एक वर्टिकल आएगा और एक हॉरिजॉन्टल आएगा, जो मेन पर्पस है वो हमारा हॉरिजॉन्टल निकालने से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा वर्टिकल है वो फोर्स हमारा जनरली ज़्यादा लग रहा है, तो हम यहाँ पर देखिए जो वर्टिकल है उसको हम यहाँ पर मेजर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वर्टिकल हो गया, जो माना प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो हमारा हॉरिजॉन्टल है वो हमारा हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करेंगे।
तो फ्रेंड जैसा कि हम जानते हैं जो फॉर्मूला होता है ये तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, सिग्मा एच इक्वल टू के ए इंटू सिग्मा वी। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला आपको निकालना ही बता दिया और इसको याद करना ही बहुत ईजी है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, जो हमारा कॉन्स्टेंट था के नॉट उसकी जगह हमने यहाँ पर के ए रख दिया। यहाँ पर के ए क्या है, जो एक्टिव अर्थ प्रेशर है उसका यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सिमिलरली जो हमारा रेस्ट कंडीशन में था उसी तरह यहाँ पर हमारा एक्टिव कंडीशन में हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं ये हमारी कंडीशन कब जनरेट होती है। जनरली रिटेनिंग वॉल होती है उसकी एक हमारी कैपेसिटी होती है, जिस कैपेसिटी तक वो पहुंच सकता है या उससे कम रहता है तो हमारे वो रेस्ट कंडीशन में होती है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स अगर ये उससे भी ज़्यादा हो तो इसमें क्या होगा, हमारा एक सर्टेन मूवमेंट होगा इस साइड होगा, यहाँ पर देख सकते हो प्रेशर इस साइड हमारा हॉरिजॉन्टली फोर्स करेगा तो हमारा इस साइड होगा, जिसमें मूवमेंट के कारण हमारा देखिए यहाँ पर इस तरह यहाँ पर हमारा जो पोजिशन में आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो फ्रेंड्स इसकी भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होती है, अगर हमारा सॉल सैचुरेटेड है या हमारा जो सॉल है वो स्टेडीफाई लेयर है या अनस्टेडीफाई लेयर है। फ्रेंड उस डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन को हम और अच्छे से यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमने ओवरव्यू यहाँ पर ले लिया है। फ्रेंड्स जो हमने बोला था वो हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, आप यहाँ पर अच्छे से लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक पॉइंट देखिए हमारा है द सॉइल इज प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। तो फ्रेंड्स ये आप तो सभी जानते हैं अगर हमारा जो रिटेनिंग वॉल है एक बार हमारा आगे झुक चुका है तो अगर हमारा जो लोड है कम होगा उसके बाद भी वो हमारा जो हमारी इनिशियल पोजिशन है वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखते हैं हम पैसिव अर्थ प्रेशर। तो फ्रेंड्स देखिए उसमें क्या होता है, उसे हमारा जो रिटेनिंग वॉल होता है वो हमारा इस साइड जाता है तो इसका हमारा उल्टा होगा, हमारा रिटेनिंग वॉल इस साइड जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके भी हम केस देखेंगे और डिफरेंट कंडीशन इसकी भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये कंडीशन हमारी जनरेट कब होती है, जब हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है वो हमारा ज़्यादा हो जाता है, वर्टिकल प्रेशर है वो हमारा कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स एक्टिव अर्थ प्रेशर में इसकी विपरीत कंडीशन थी, उसमें हमारा वर्टिकल ज़्यादा हो रहा था और हॉरिजॉन्टल हमारा कम हो रहा था। फ्रेंड जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम यहाँ पर मेजर लेते हैं, जो हमारा वर्टिकल होता है उसको हम माना लेते हैं। फ्रेंड उस कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो हमारा इस प्रकार आएगा, तो यहाँ पर हम जो कॉन्स्टेंट था उसको हम के पी लिखेंगे, पैसिव अर्थ प्रेशर कॉन्स्टेंट। तो फ्रेंड उसमें भी क्या होता है, तो फ्रेंड इसमें भी हमारे जनरली वही कंडीशन होती है, अगर हम लोड हटाएंगे तब भी हमारी जो रिटेनिंग वॉल है अपनी ओरिजिनल पोजिशन में नहीं पहुँच पाती है। तो फ्रेंड इस डायग्राम में आप देख सकते हो एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर और अर्थ प्रेशर इट रेस्ट। तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखिए जनरली यहाँ पर हमने अर्थ प्रेशर लिया है तो यहाँ पर देखिए सॉल मूवमेंट होगी, तो यहाँ पर हमारा होगा इस साइड होगा हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर और इस साइड होगा हमारा पैसिव अर्थ प्रेशर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर है वो हमारा अर्थ प्रेशर इज डैश्ड उससे भी हमारा कम होगा। तो फ्रेंड्स जो हमको एक्टिव अर्थ प्रेशर मिलता है वो हमारा 0.2 से 0.5 पर ही मिल जाता है, जो हमारा पैसिव अर्थ प्रेशर होता है वो हमको 2 से लेके 15% मूवमेंट पे हमको मिलता है। आई होप आप दोनों को अच्छी तरह से समझे होंगे, तो हम इसको और डिटेल में और डेप्थ में जाके इसको अच्छे से समझेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगर आप और भी इससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और जो भी क्वेरीज हो उसको कमेंट करके पूछें। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।